दोस्तों एक बार फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, कानपुर यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। आज की इस नोटिफिकेशन में क्या है इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अगर चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आप सभी अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएगा दोस्तों। उसी के साथ में लाइक करिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे और भी लोगों को पता चल सके जो भी नोटिफिकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है और लोगों को पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेंशन किया गया है छात्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। यह नोटिफिकेशन कब की आई हुई है, यहाँ भी डेट मेंशन किया गया है। विषय में मेंशन किया गया है बीएमएस बीयूएमएस का मुख्य जो परीक्षा है सत्र 2021 और 22 की जो परीक्षाएं हैं उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन है। क्या मेंशन किया गया, ये देखिए लिखा है, कृपया आदेश अनुसार अवगत कराना है कि संदर्भित परीक्षाओं से संबंधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। ये परीक्षाएं निम्नलिखित निर्देश के अधीन संपन्न होगी, जैसे कुछ निर्देश जारी किया गया है उसी के अधीन कराए जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर में बताया जा रहा है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को सूची पर्व की भांति 3 प्रतियों को तैयार करना होगा, जो कि 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक एक प्रति सहायक कुल सचिव मेडिकल को, दूसरी पीयूएमएस सेल तथा तीसरी भविष्य के संदर्भ में अपने पास सुरक्षित रखने के लिए बताया जा रहा है। उसी के साथ में सेकेंड नंबर पॉइंट पे है कि समस्त संबंधित महाविद्यालय हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म सबमिशन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वह विस्तारित की गई है 13 जुलाई। जी हाँ साथियों, 13 जुलाई आपका डेट एग्जामिनेशन फॉर्म का लास्ट सबमिशन डेट चुना गया है। उसी के साथ में तीसरे नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है कि समस्त प्रधानाचार्य और प्रचार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने हेतु प्रस्तुत छात्रों का भारतीय चिकित्सक केंद्रीय परिषद नई दिल्ली बिन्दु के अनुसार कक्षाओं में उपस्थित पाठ्यक्रम एवं अनुवंशिक कार्य को पूर्ण करा लिया गया है। चौथा पॉइंट पर बताया जा रहा है कि कोविड के जो भी नियम है उन सभी निर्देशों को पालन करते हुए आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जैसे आपके कोविड के जो भी नियम है, जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग, आपको मास्क लगाना है और आपको हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, तो इन सभी कोविड के जितने भी नियम है सभी को आपको फॉलो करना होगा। तो ये रहे लेटेस्ट अपडेट कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसी प्रकार से कोई भी अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा साथियों। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई नोटिफिकेशन के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।